जिस इंसान के जीवन में संघर्ष जितना कठिन होता है उसकी जीत उतनी ही शानदार होती है। वहीं अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष भरे दौर से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, बल्कि इस परिस्थिति का हिम्मत के साथ सामना करिए, क्योंकि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए की गई मेहनत और संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता है, बल्कि हमारे लिए सफलता की नई राहें बनाता है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को जारी करेंगे पहली किस्त। 1 लाख लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। पीएम जनमन के लाभार्थियों से भी आज करेंगे संवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मेघालय और असम के दौरे पर। तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का करेंगी शुभारंभ। बालजैक हवाई अड्डे पर स्व सहायता समूहों के सदस्यों को करेंगी संबोधित। नए एकीकृत प्रशासन परिसर की भी रखेंगी आधारशिला। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रमों की आज से होगी शुरुआत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। साल भर तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर के मंदिरों में शुरू हुआ स्वच्छता अभियान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर में की सफाई। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रामायण विद्यापीठ में स्वच्छता अभियान का किया नेतृत्व। बड़ी संख्या में साधु संतों और मंदिर के कर्मचारियों ने सफाई अभियान में लिया हिस्सा। और भारत ने 6 विकेट से जीता सीरीज का दूसरा T20 मैच। अफगानिस्तान के साथ सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त। अयोध्या धाम में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अब 7 दिनों का समय शेष बचा है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सुप्रभात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमत के अंतर्गत लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इस अवसर पर पीएम जनमन के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। पीएम जनमन का आरंभ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया था। इसकी शुरुआत अंतिम छोर पर मौजूद अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के अंत्योदय के विजन की दिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTG के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए किया गया था। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम जनमन 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच स्थापित करके उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और असम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का शुभारंभ करेंगी। मंगलवार को वे बालजैक हवाई अड्डे पर स्व सहायता समूहों के सदस्यों को संबोधित करेंगी और वर्चुअल माध्यम से नए एकीकृत प्रशासन परिसर की आधारशिला रखेंगी। मंगलवार को ही मौफलांग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक जनसभा को संबोधित करेंगी और वर्चुअल माध्यम से उन्नत सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी।
मौसम और वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन और पूर्वानुमान के बारे में हम तक सटीक जानकारी पहुंचाने वाली नोडल संस्था भारत मौसम विज्ञान विभाग का 15 जनवरी 2025 को 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसके लिए आज से यानी 15 जनवरी से एक साल तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150 वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विज्ञान भवन में आज और कल यानी कि 15 और 16 जनवरी को एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। उद्योग, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान और वैज्ञानिक समुदाय सहित अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम से पहले एक हफ्ते तक देश के मंदिरों में सफाई अभियान छेड़ने का आह्वान किया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास मंदिर में झाड़ू पोछा लगाया। अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में तीर्थ यात्रा स्थलों पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में रामायण विद्यापीठ में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। वहीं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने मसूरिया दीन मंदिर में साफ सफाई की, जबकि इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी श्री बड़े हनुमान मंदिर परिसर में सफाई अभियान में शामिल होते नजर आए। साथ में बड़ी संख्या में साधु संतों और सरकारी कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान नासिक के श्री कालाराम मंदिर में सफाई करके मंदिरों में सफाई अभियान का संदेश दिया और लोगों से धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल का त्यौहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है और एकता की यह भावना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे तमिलनाडु के हर घर से पोंगल की धारा बहती है, मैं हर किसी के जीवन में खुशी और समृद्धि के प्रवाह की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने पोंगल के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी और सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष की धारा के निरंतर प्रवाह की कामना की। उन्होंने लोहड़ी उत्सव, मकर उत्तरायण और मकर संक्रांति और जल्द ही माघ बिहू की शुरुआत का भी उल्लेख किया। महान संत तिरुवल्लुवर का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षित नागरिकों, ईमानदार व्यापारियों और अच्छी फसल की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि पोंगल के दौरान ताजा फसल
भगवान को अर्पित की जाती है, जो अन्नदाता किसानों को इस उत्सव की परंपरा के केंद्र में रखती है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शास्त्रीय गीत गाने वाली एक लड़की को अपना शॉल उपहार में दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलें, किसान और गांव अधिकांश त्योहारों के केंद्र में हैं। मिलेट प्रमोशन से छोटे किसानों और युवा उद्यमियों को लाभ हो रहा है। இனிய பொங்கல் நல்ல அழுத்துக்கள் भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव से, किसानी से, फसल से जुड़ा हुआ होता है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवास सात लोक कल्याण मार्ग पर कुछ गायों को चारा खिलाया और उनके साथ समय बिताया। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी अचानक ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से तीन सप्ताह के बाद रविवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 400 के पार पहुंचने के कारण हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार हवा की गति कम, कोहरा और वातावरण में नमी अधिक होने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में अधिक ऊपर नहीं उठ पाए। इस वजह से प्रदूषण का स्तर अधिक बढ़ गया।
दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता और खराब होने से रोकने के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप स्टेज 3 फिर से लागू कर दिया है। स्टेज 3 के अंतर्गत दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक रहेगी। ये फैसला वायु गुणवत्ता सूचकांक 458 पर पहुंचने के बाद लिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि ग्रैप के संचालन संबंधी उपसमिति की आपात बैठक में ये निर्णय लिया गया। समिति ने समूचे एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप स्टेज 3 के अनुसार 8 सूत्री कार्य योजना फिर से लागू कर दी है। इस कार्य योजना के अंतर्गत प्रदूषण रोकथाम के विभिन्न उपाय किए जाएंगे। सोमवार और मंगलवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार रहने का अनुमान जताया गया है। सुप्रभात, में अब बात करते हैं खेल जगत की। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 मैच 6 विकेट से जीत लिया है। भारतीय टीम ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में 173 रन का टारगेट 15.4 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 34 गेंद पर 68 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 32 गेंदों पर अविजीत 63 रन बनाए। इससे पहले अफगानिस्तान की ओर से गुलबदीन नाइब ने 35 बॉल पर 57 रन बनाए। भारत से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट छटके। इस जीत के बाद भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का तीसरा मुकाबला 17 जनवरी को बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। जनवरी साल 1926 को खाशाबाद दादा साहेब जाधव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता रहे। केडी जाधव व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रहे। खाशाबा ने साल 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। उन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती के 52 किलोग्राम वर्ग में तीसरा स्थान हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। केडी जाधव को छोटी हाइट के चलते पॉकेट डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है। 15 जनवरी साल 1759 को ब्रिटिश संग्रहालय को पहली बार जनता के लिए खोला गया। ब्रिटिश संग्रहालय, जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित मानव इतिहास, कला और संस्कृति को समर्पित एक सार्वजनिक संस्थान है। इस संग्रहालय की स्थापना साल 1753 में हुई। 1753 में किंग जॉर्ज द्वितीय ने संसद के एक अधिनियम को अपनी शाही सहमति देकर ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना की। इसके स्थायी संग्रह में 80 लाख से भी ज्यादा वस्तुएं हैं, जो हर महाद्वीप से लाई गई हैं और मनुष्य जाति की शुरुआत से आज तक की संस्कृति की झलकें दिखाती हैं। 15 जनवरी साल 2001 को विकिपीडिया वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना जिमी वेल्स ने की। विकिपीडिया एक मुफ्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। इससे पहले साल 2000 में वेल्स ने एक मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश न्यूपीडिया की स्थापना की, जिसमें मुख्य संपादक लैरी सेंगर थे। विकिपीडिया में अभी तक 300 से भी ज्यादा भाषाओं में लेख लिखे जा चुके हैं। अभी तक हिंदी विकिपीडिया में 1 लाख से भी ज्यादा लेख लिखे जा चुके हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर और रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो जनमानस ने पूरी अयोध्या को दियों की रोशनी से प्रकाशित कर दिया था। और अब जब श्री राम अयोध्या के राम मंदिर में विराज रहे हैं, तब भी अयोध्या को चमकाया जा रहा है। अयोध्या के हर एक कोने को सजाने को भारत के कवि रत्न ने अपने लिखे और गाए गीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस राम भजन के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
अयोध्या का कोना कोना सजा दो, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। अयोध्या का कोना कोना सजा दो, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। प्रभु राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, हरे राम आ रहे हैं। सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। अयोध्या का कोना कोना सजा दो, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। गढ़ी में बैठे हनुमान को बता दो, अपनी गढ़ी में बैठे हनुमान को बता दो, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। अयोध्या का कोना कोना सजा दो, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। रसोई का फिर चूल्हा जरा जला दो, सीता रसोई का फिर चूल्हा जरा जला दो, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। अयोध्या का कोना कोना सजा दो, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। दीपावली मनाओ, घर घर में राम भक्तो दीपावली मनाओ, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। अयोध्या का कोना कोना सजा दो, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। कलंक था माथे सनातनी के, सदियों से एक कलंक था माथे सनातनी के, जय जय श्री राम बोल के उसको जरा मिटा दो,
जय जय श्री राम बोल के उसको जरा मिटा दो। अयोध्या का कोना कोना सजा दो, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, सदियों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं।